नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं उपाली अपराजिता। दर्शकों, हमारे चैनल का हमेशा ये प्रयास रहता है कि आप लोगों के लिए भारतीय संस्कृति से जुड़ी विशेष जानकारियां प्रस्तुत करें और प्रत्येक धार्मिक विधि विधान का वैज्ञानिक पक्ष आप तक पहुंचाए। हमारा आग्रह है कि आप भारतीय संस्कृति के बारे में ना केवल जाने बल्कि उसके तार्किक पक्ष को समझकर उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे हमारी परंपरा से जुड़े हुए उस वस्तु के बारे में जिसका प्रयोग प्रत्येक पूजा और शुभ कार्यों में करना जरूरी होता है, वो है संघ के बारे में। कहा जाता है कि देवता और असुरों ने जब समुद्र मंथन किया था तब ये अमूल्य वस्तु उन्हें प्राप्त हुई थी। संघ की विशेषताओं को देखते हुए देवताओं ने संघ को सदैव अपने पास स्थान दिया है। कोई भी पूजा संघ के ध्वनि के बिना पूरी नहीं होती है। प्रत्येक सनातनी पूजा घर में संघ जरूर पाया जाता है। वैसे तो संघ के बहुत किस्में होते हैं। वो है दक्षिणावर्त संघ, जैसे कि उसके एक दक्षिण तरफ एक तरफ ऐसे खुला रहता है, यह है दक्षिणावर्त संघ। और एक होता है वामावर्त संघ, वामावर्त जिसका कि ऐसे बाएं तरफ को एक तरफ ऐसे खुला रहता है। और एक तरफ है, यह है गणेश संघ, मध्यवर्त संघ, जिसको कि गणेश संघ भी कहा जाता है, जिसका आकार गणेश जी के मुंह के तरह जैसा ही होता है। और भी अनेक प्रकार का संघ होता है। इन तीन संघों का हम प्रमुख मानते हैं। और ओडिशा, जो कि श्री जगन्नाथ का क्षेत्र माना जाता है, वो भौगोलिक दृष्टि से संघ के आकार का होता है, इसीलिए उसे संघ क्षेत्र भी कहा जाता है। दक्षिणावर्त संघ, ये जो दक्षिणावर्त संघ है उसे ये बहुत दुर्लभ होता है और इसे अपने घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है। भारत में संघ रखने की परंपरा बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में हर एक योद्धा के पास एक अलग अलग संघ रहता था। भगवान श्री कृष्ण के पास पांचजन्य, अर्जुन के पास देवदत्त, युधिष्ठिर के पास अनंत विजय, भीम के पास पंडरिक, नकुल के पास सुघोष और सहदेव के पास मणिपुषक पुष्पक संख मौजूद था। सभी संखों का महत्व और शक्ति अलग अलग हुआ करती थी। संख को घर में रखने से धन की वृद्धि और सुख शांति आते हैं, क्योंकि संख को धन की देवी माता लक्ष्मी का भाई माना जाता है। संघ का महत्व केवल इष्ट पूजन तक सीमित नहीं होती है, संघ का औषधीय महत्व भी है। यह शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। प्रतिदिन सुबह शाम संघ फूंकने से रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। अस्थमा जैसे सांस में होने वाली तकलीफ भी दूर होते हैं। यहाँ तक कि दिल की बीमारी भी नियमित रूप से संघ फूंकने से राहत मिलती है। संघ फूंकने की प्रक्रिया भी एक तरह का प्राणायाम जैसा ही होता है। प्रतिदिन संघ फूंकने से हकलाने जैसे वाणी का दोष भी दूर होते हैं। संघ फूंकने वाले व्यक्ति के चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती है और उसके चेहरे पर एक अलग तरह का चमक आती है। संघ फूंकने से जो ध्वनि पैदा होते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। संघ ध्वनि का हमारे वातावरण पर बहुत असर पड़ता है। संघ की आवाज जहां तक पहुंचती है वहां तक की हवा शुद्ध और ऊर्जावान हो जाती है। 1928 में बर्लिन यूनिवर्सिटी में हुई एक शोध से ये बात पता चली कि संघ की ध्वनि से हवा में मौजूद कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि संघ में रखे हुए पानी से भी वातावरण शुद्ध बनता है। इसीलिए पूजा के बाद
पुजारी संघ से पानी छिड़क कर शुद्धिकरण का प्रक्रिया अपनाते हैं। संघ की भस्म आयुर्वेद में एक बहुत विशेष औषधि का काम करती है। इससे जंडिस, पेट की बीमारी और किडनी या गॉल ब्लैडर के स्टोन की समस्याओं का भी से भी राहत मिलती है। तो ये थे संघ बजाने की धार्मिक परंपरा का वैज्ञानिक महत्व। हम आप सभी के लिए हमेशा इस तरह की जानकारियां सामने लाते रहेंगे। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद।